हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट लवर अलीगढ़ के साथ, और हम अलीगढ़ में आज मौजूद हैं रिंकू सिंह के फिटनेस कोच अमित राजौरिया सर के साथ। आइए जानते हैं, क्योंकि रिंकू सिंह की अक्सर वो फोटोज आपने वीडियोस वायरल होते हुए देखी होंगे जिनमें उनके सिक्स पैक्स हैं। आइए जानते हैं उनकी फिटनेस के राज क्या हैं। देखिए रिंकू, वैसे आप लोगों ने देखा होगा जितने भी मैचेस अभी पहले जिन मैचों में उन्हें चांसेस नहीं मिले थे खेलने के, लेकिन उसमें उन्होंने फील्डिंग में कमाल करके दिखाया था काफी। अभी केकेआर के खिलाफ जब केकेआर के लिए जब खेल रहे थे तो काफी मैचों में उन्हें एज अ फील्डर इनवाइट किया गया अंदर, और उन्होंने फील्डिंग करके एक मैच में तो उन्होंने 5 कैच पकड़े थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो फील्डर अच्छा होगा वो फिटनेस भी उसकी बहुत अच्छी होगी, और फिटनेस उनकी आप देख भी पा रहे हैं। काफी सारे फोटोज आपने जैसा आप भी बताया कि सिक्स पैक्स के उन्होंने डाले हैं। तो जब भी वो यहाँ आते हैं, रिंकू जब यहाँ आता है और आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन वो फिटनेस को मिस करे। ग्राउंड पे आने के बाद सुबह में वो फिटनेस के लिए आता है और बहुत सही तरीके से वो अपनी फिटनेस करता है, और उसके बाद जो भी उसके सेशंस होते हैं प्रैक्टिस सेशंस वो करता है। तो मेहनत में तो किसी भी तरह की वो कमी नहीं छोड़ता है। तो बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल है रिंकू का। क्योंकि सर फिटनेस लेवल तो रिंकू भैया का बहुत हाई है, लेकिन वो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ और आपसे ये सवाल मेरा है कि वो इतनी अच्छी फिटनेस जो है उनकी किस वजह से है, वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो वो करते हैं, कितनी रनिंग करते हैं, कितना उनका रिदम है, किस चीज पे वो ज्यादा मेहनत करते हैं जिससे कि वो ग्राउंड में इतने फिट नजर आते हैं। देखिए एक बैट्समैन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका कोर और उसके लेग्स। अब आपने उनके फोटोज में भी देखे होंगे उनके लेग्स में बहुत बहुत बढ़िया पावर है, और वो लेग्स का वर्कआउट बहुत अच्छा करते हैं। अभी जहां पर वो इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर वो काफी अच्छे स्क्वाट्स वगैरह वेट के साथ कर रहे हैं, लेग्स पर अच्छा काम कर रहे हैं, और कोर तो आपने उनके फोटोज में देखी ली होगी। और एक बैट्समैन के सारे ग्लूट्स, आपके लेग्स, आपके कोर बहुत अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए, और जिस वजह से आप जो आपने 5 छक्के देखे हैं उनमें इन चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपने वो 5 छक्के लगातार 5 छक्के मारने के लिए ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो सब चीजों की इंपॉर्टेंस आपको उन 5 छक्कों में देखने को मिली। क्योंकि आप रिंकू सिंह के फिटनेस कोच हैं, और जो कि रिंकू सिंह क्रिकेट एकेडमी है अलीगढ़ में महुआ खेड़ा स्टेडियम पे, आप उसमें एज अ फिटनेस कोच ही हैं या आपकी कोई और पोजीशन भी उसके साथ में है? हाँ, मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर हूँ यहाँ पर, और मैं अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन के लिए प्रोफेशनल अंपायर भी हूँ। अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जो सर्टिफाइड अंपायर है वो मैं पूरा अंपायरिंग करता हूँ, और बाकी शाम को बच्चों की मैं कोचिंग देता हूँ। अलीगढ़ स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अंपायरिंग भी जो है अंपायरिंग पैनल में सर का नाम है, और एक बहुत मेहनत जो है, कहते हैं कि जो गुरु होता है गुरु को ज्यादा मेहनत करनी होती है अपने छात्र से उसको बनाने के लिए। तो रिंकू सिंह को जो फिटनेस दी है, फिटनेस प्रदान कराई गई है, वो है तो उनकी मेहनत पे, लेकिन डिपेंड क्योंकि गुरु के ऊपर होता है कि वो कैसी एजुकेशन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। आपने इसमें एक बहुत अहम रोल यहाँ पर अदा किया है, तो और अपने जो यंग क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है? देखिए यंग क्रिकेटर्स जितने भी हैं, जो भी बच्चे हैं, वो सबसे पहले क्रिकेट खेलने से पहले उनको अपने माइंड सेट करना होगा कि मुझे बहुत फिट रहना है, क्योंकि जब फिट होंगे जब ही वो क्रिकेट को खेल पाएंगे, क्योंकि क्रिकेट में बहुत मेहनत लगती है। आपको सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट ही सोचना होता है, और उस क्रिकेट को खेलने के लिए आपकी बॉडी उसको उस मेहनत को करने के लिए तैयार होनी चाहिए, और वो तैयार जब ही होगी जब आप फिटनेस डेली बेसिस पे करेंगे और अच्छे लेवल पे फिटनेस करेंगे। ये मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे बताएंगे आपको कि इस किस लेवल की यहाँ फिटनेस होती है, और जितनी भी फिटनेस हमारे सेशंस होते हैं जो भी हम कराते हैं, आप रिंकू को हमने जो जितने भी फिटनेस सेशंस कराए हैं वो मेरा खुद इंस्टाग्राम पर पेज है, उस पर सारी एक्टिविटीज हमारी पड़ी हुई है जो हम कराते हैं। क्योंकि बहुत एक जबरदस्त जो फिटनेस है रिंकू सिंह की, अलीगढ़ के लाल हैं और भारत के अब लाल हैं, पूरे हिंदुस्तान के लाल हैं, और उनके फिटनेस का जो राज है वो आज सर के साथ आपको, अमित सर के साथ जो है आपको, वो आज उनके जो राज हैं फिटनेस के वो उन्हें आप लोगों को बताए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर आपको अपनी फिटनेस अच्छी रखनी है एज अ क्रिकेटर, तो आपको जो जितने भी सर अब स्टेप बताएंगे या थोड़ी फिटनेस के बारे में हम सर से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना रनिंग,
कितना पुशअप्स और ये सब कितनी एक्टिविटी है उस हिसाब से, जो कि रिंकू भैया की फिटनेस इतनी अच्छी है, तो कुछ एक भी मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहते हो? देखिए, आप अगर डेली बेसिस पर, आपको रनिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर रनिंग तो आपको करनी करनी है, और उसके बाद आप स्क्वाट्स हैं वो आप कर सकते हैं, लंजेस हैं वो आप कर सकते हैं, आप कोर पर काम कर सकते हैं, और आप अपने पुशअप्स लगाकर अपने अपने शोल्डर्स को, अपने फोर आर्म्स को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये थोड़े से ऐसी चीजें हैं जो आप नॉर्मल बेसिस पे आप कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आप बिना किसी ट्रेनर के भी आपको नॉर्मली कर लेनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको अंडर द गाइडेंस किसी ट्रेनर के अंडर ही करनी होगी, कि आपको कितने किस लेवल पर आपको स्पीड पर और कितने मिनट तक आपको क्या वर्कआउट करना है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखते हैं जो आप किसी के प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर ही आप करेंगे। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जो नॉर्मल वर्कआउट्स हैं ये तो आपको डेली करने ही चाहिए। कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को, लास्ट मैसेज कोई आप अपने दिल से देना चाहते हो? बी फिट एंड बी हिट। सर आप इसका ट्रांसलेट कर दें तो और अच्छा है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट आप स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए, और आप हिट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आपका हमसे बात करने के लिए। आप थे रिंकू सिंह के फिटनेस कोच अमित सर, और हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट लवर अलीगढ़, धन्यवाद।